धक्के तोड़ते हुए अगली अदाकारा जिसनों किसे पहचान से मुहताज नहीं हो, अपने अंदाज दे ले, अपने विलक्षण अंदाज दे ले जाने जाते हैं। हाँ जी पंडित जी, कौन है अगले? गुरप्रीत कौर पंघू, एक ऐसी कलाकार जिसने एक लड़ाकी औरत का किरदार निभा के प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अनेक पंजाबी फिल्मों तो इलावा हिंदी फिल्म मौसम मेरे तो पहला सारा ने बहुत बोलता, सारी गल समेटती जतेंद्र भैन जी ने कि तुसी सारे अपने हो। मैनू पता है आर्टिस्ट इन्ना आराम नाल भी नहीं बैठते जिन्नी ये बैठे ने, क्योंकि इन्हें दे अंदर दी जड़ी कला। और ऋषि मैडम मैंने अखा कड्डी आंदे कहिंदी ज़्यादा नहीं बोलना। अखा कड्डण दा मतलब ये नहीं भी मैं प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते ने। टाइम बहुत हो चुका है, मैं बहुत ऋणी हाँ कि माँ बोली की सेवा तुसी लोग कर रहे हो। तो एक कहावत याद है एक रशियन राइटर दी कि जदों किसी नूं मारना होवे उदों उहदी माँ बोली खोलो। पर मैनूं माण है कि साडे तो साडी माँ बोली खोई नहीं जानी। एक गल होर सांझी करूँगी, मैनूं फिल्मां दे विच आम तौर पर कहा जाता है कि यह बड़ी भैड़ी औरत है। जड़े आर्टिस्ट आ कदे भैड़े नहीं हुंदे किसी भी रूप में होण, क्योंकि उहदा एक किरदार हुंदा। कई बार असी आपका किरदार निभाते निभाते यहोजे बन जाने कि असी सचमुच ही भैड़े जे लगन लग जाने। एक गल होर कि मैंने कई ने यह भी कहा कि पंगू मैडम तुसी ना कपड़े फिल्मों के बड़े ही गरीबा जाने पा लें, वह भी एक किरदार हुंदा। तो की आपां गरीबा नूं प्यार नहीं करते? उस रात जिस रात शाम नूं मैनूं किसी ने गल कही सी ते मैं सच्चे अंदरों उन्नी नरमा उन्हां लोकां लई, मैं कुर्बान जानी उन्हां लोकां दे कि उह जिंदगी वधिया जिउंदे आ। कई बार जिहड़े अपने आप नूं बहुत अमीर समझ लैंदे ने, ते मैं कदे लिखिया नहीं, मैं लिखण वालां दे हथ चुमदी हाँ, क्योंकि जे उह साडी अपनी जबान विच लिखण ना तां असीं सचमुच मर जाईए। मैं उन्हां तों कुर्बान जानी हाँ। ते उस दी रात मैं दो लाइना लिखिया सी, उही लाइना मैं हरेक थां बोलदी हाँ। शायद किसी का होर कहा होया मैंने चुप जाए तो मैं कदे फिर बोल जावा। जब मैं मर जावा रोना ना मुस्कुरा देना, मेरी अर्थी नूं चकना ना धरती च दबा देना, मेरे ते कफन ना पाउणा मेरे हमदर्द दोस्तो, किसी गरीब के बच्चे का झग्गा सवा देना। थैंक यू। सब तो पहला
श्री अमृतसर साहिब जी की पवित्र धरती साडे गुरुआं पीरां फकीरां की धरती नूं नमस्कार। मेरे सामने बहुत ही सत्कार रूहां बैठिया ने जिन्हां चों योगराज भाजी, मेरे बहुत ही सत्कार योग निर्मल ऋषि जी, नीना मैम, मेरे पंगू दीदी, मेरे गुरु, मेरे टीचर जिन्होंने मैनू उंगल फड़ के मंच ते तुरना सिखाया, मैनू अदाकारा बनाया, मेरे बहुत ही प्यारे मैडम सुनीता धीर जी, मेरे हसबेंड भुपिंदर बरनाला, मेरा बेटा सुरखाव, मनी कुल्ले शाह जी, बहुत ही सत्कार योग जितेंद्र मैम, बाबा मैम, पन्नू जी, करतार साहेब और ढिल्लों साहेब, और मेरे भाजी, मैं हमेशा इन्हों का नाम मिस कर जानी है, शिविंदर माहल जी, पता नहीं क्यों नाले मैं हमेशा मिलती हूँ इन्हों, फिर मेरे मन चो इन्हों का नाम स्किप हो जाता है। और मतलब जिन्हों मैं हमेशा देखती रही हूँ, टीवी पर भी देखती रही हूँ इन्हों, मैं कदे सोचा नहीं सी कि मैं इदा इन्हों के सामने खड़ी होऊंगी, एक दिन इन्हों के नाल विचरूंगी, इन्हों के नाल बैठूंगी, और मैं लगता कि मेरे तो होर भागा वाला कौन हो सकता अच कि अच मैं इन्हों बैठी हाँ। तो सिंह एंड कौर प्रोडक्शन और साढ़े डायरेक्टर मनकेत जी और जसविंदर मैम न मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम लिए बहुत बहुत बधाई दिनी हाँ। तो इस प्रोग्राम के इन्होंने मैं शामिल किया, इसलिए मैं इन्हों का थैंक्स करती हाँ। सो मैं पंजाबी बोली लिए दो शब्द कहना चाहूँगी, माँ जिहा कणछावा बूटा, माँ जिहा कणछावा बूटा, मैनू जग ते नज़र ना आया, जिस तो लैके छां उधारी, रब ने स्वर्ग बनाया। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बोली नू वध तो वध प्रमोट करो, पंजाबी बोलो, तेरा सत्कार करो।